On the election trail with us is Union Minister Mansukh Mandavia, and he's available for a rare interview because he normally, you know, lets his work do the talking, but he's of course in the campaign because he is the candidate for Porbandar. Mansukh bhai, aapka Porbandar ke saath itne saalon mein kaisa association raha aur kya raha, kyunki aap wahan ke candidate hai ab? Porbandar sathe maro pehle thi nato rahyo chhe. Ek to sangathan na karyakarta tarike Porbandar ke saath mera purana rishta raha hai. पहले तो मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता था, तो यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के मैं प्रभारी भी रहा, यहाँ के मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंचार्ज सौराष्ट्र रहा, सभी मंडल में मैं नाइट होल्ड किया हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो वैसा एक रिश्ता मेरा रहा। दूसरा, गांधीयन फिलोसॉफी को मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैंने गांधी मूल्यों के मार्ग पर ऐसा करके 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी, तो मैं स्वधर्म से पोरबंदर से जुड़ा था, गांधी जी से जुड़ा था, और अभी मैं कर्म से गांधीनगर के साथ जुड़ रहा हूँ, उसकी मुझे खुशी है। एक बात ये भी कही जाती है कि लंबे समय से आप राज्यसभा में रहे, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि आपकी जो ग्रोथ उसको कोई रोक नहीं पाएगा, आप को लगा था कि आपको लोकसभा लड़ने के लिए पार्टी कहेगी या पार्टी, आप तैयार थे लड़ने के लिए? देखो, मैं विधायक था तो विधायक के रूप में काम कर रहा था, इलेक्शन में कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुझे गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का दायित्व दिया गया, तो मैंने वहाँ काम करा। उसके बाद दो टर्म के लिए मुझे राज्यसभा में भेजा गया, मैंने वहाँ काम करा। मुझे संगठन को का काम दिया गया, मैंने संगठन में काम करा। अभी मुझे चुनाव लड़ने का दायित्व पार्टी ने दिया है, तो मैं अभी पोरबंदर में आप देख रही हो कैंपेन कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं 5 लाख एबो वोटों से जीतूंगा। आप बहुत एक डिफरेंट तरह का एक जो कैंपेन है वो मैंने देखा आप कर रहे हैं, आप लोगों के घर घर तक जा रहे हैं, वहाँ के गाँव के मंदिर तक जा रहे हैं, कोई बड़ी सभा नहीं, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं, ये एक टिपिकल मनसुख भाई मांडविया स्टाइल कैंपेन है? हाँ, सही है, मैंने ये चुनाव को एकदम सरल बना दिया है। आपने देखा होगा मैं कैंपेन में जाता हूँ, 4-5 गांव को इकट्ठा एक गांव में बुला लेता हूँ, और एक गांव में एंट्री पॉइंट में मैं नीचे उतर जाता हूँ, वहाँ से सभी को मिलता मिलता प्रणाम करता करता बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद देता लेता, सभी मोदी जी की योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त अनाज की योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि की योजना, ये सभी लाभार्थियों को मिलते मिलते उसके साथ बातचीत करते करते मैं राम जी मंदिर तक जाता हूँ, राम जी मंदिर में दर्शन करता हूँ और बाहर आके एक हैंडसेट से लोगों को संबोधित कर देता हूँ। उससे मेरा समय भी बचता है, लोगों को भी सुविधा होती है, व्यवस्था करने वाले को भी सुविधा होती है, और मुझे पदयात्रा से लोगों को जोड़ने का अवसर भी मिलता है। पदयात्रा क्योंकि आप करियर का एक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क रही है, लोग कह रहे हैं कि आप बहुत किफ़ायती कैंपेनिंग कर रहे हैं। बात सही है, मैंने तय करा है कि बिल्कुल चुनाव के लिए बहुत कम खर्च से मुझे चुनाव लड़ना है। मेरे सारे कार्यकर्ता भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मैं कैंपेन कर रहा हूँ उसमें भी यही तरकीब मैं अपनाता हूँ, जिसमें खर्च कम हो, सुविधा ज़्यादा हो, संपर्क ज़्यादा हो, और मैं एक करके दिखाऊँगा। आप जहाँ जहाँ बात करते हैं मोदी जी के 10 साल के काम की बात करते हैं मनसुख भाई, पर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने काम कुछ किया नहीं, आपकी सरकार जो है नंबर्स को ड्रेसिंग करती है, और अगर ऐसा ही रहा तो अगर ईवीएम आपका साथ नहीं देगी तो आप लोग 150-200 के अंदर सिमट जाएंगे, ऐसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है। उसका तो काम वही है, क्योंकि जनता के विश्वास संपादन कर नहीं सकते तो बाद में आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, वो उसका काम है, लेकिन मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता का विश्वास को देख रहा हो, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, श्रद्धा मोदी जी के साथ है, दोनों चीज़ को कनेक्ट होते हुए मैंने देखा। और जब मैं कैंपेन करता हो, जब मोदी जी की योजना के लाभार्थियों को मैं मिलता हो, तब आप भी कैंपेन में मेरे साथ हो देख पाऊंगी, जिस तरह से जनता कनेक्ट हो रही है,
और जिस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है और बदलाव हुआ है उसको देखते हुए जनता वोटिंग करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस से एनडीए की सीट आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और विपक्ष तो ये कह रही है कि अगले बार कोई इलेक्शन ही नहीं होगा और आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इसीलिए वो लोगों को बीच में जाके कह रहे हैं कि यही मोदी जी का उद्देश्य है 400 लाने के लिए, क्योंकि अगले बार वो चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए। हम लोकशाही के गले घोटने वाले लोग नहीं हैं, हम इमरजेंसी लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करने वाले लोग हैं। मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान दे के देश की लोकशाही को समृद्ध कर रहे हैं, देश और दुनिया उसको देख रही है और इसलिए ही देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण भी हो रहा है। मंजू भाई, आप उन नेताओं में से जो कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, ना किसी दल के ऊपर टिप्पणी करते, पर क्योंकि इलेक्शन का समय है, विपक्ष वाले नेता ये कह रहे हैं कि आप इतने नर्वस है कि आप एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई इनके द्वारा घेर रहे हैं ताकि बीजेपी उस तरह से मजबूत हो जाए, इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे के कविता हो, चाहे दूसरे नेता हो। क्या कोई करप्शन करे तो उसके सामने कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? जो लोग गलत करते हैं उसके सामने कार्यवाही हो रही है, और जो वो सही है तो क्यों डरते हैं? आप सही हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सही नहीं हो तो आपके सामने कार्यवाही हो रही है, उसमें आप ऐसा करके अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। पर टाइमिंग की बात करें ना कि बिल्कुल इलेक्शन के आसपास आपने केजरीवाल को भी अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अंदर है, बाकी सारे नेता भी अंदर है, ये इलेक्शन को लेकर की जा रही है कार्रवाई, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन, ये आपके पॉकेट में रहती है ऐसे विपक्ष वाले के? नहीं, एजेंसी अपना अपना काम करती है, उसमें टाइम का क्या विषय होता है? कोई टाइम का विषय नहीं होता है। कोई लोगों के सामने करप्शन की शिकायत आई और तंत्र का एक काम है, एजेंसियों का काम है कि उसकी इंक्वायरी करे, उसके ऊपर एक्शन करे, और कर रही होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मंसूर भाई कि कई बार ऑपोजिशन वाले हमेशा किसी इलेक्शन से पहले ईवीएम का मुद्दा ज़रूर उठाते हैं, पर यही जब उनके राज्यों में उनको जीत मिलती है तो उस पर मुद्दा कभी नहीं उठता। ये अपनी निष्फलता को छुपाने के लिए किसी के पार विषय को थोप देने की बात है। आप कर्नाटक इलेक्शन जीत गए तो आपने ईवीएम की बात नहीं की, आप जहां इलेक्शन जीत जाते हैं वहां ईवीएम की बात नहीं करते हैं, और जहां फेल हो जाते हैं आपको अभी से उसको पता चल गया है कि हम चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, इसलिए अभी से वो ईवीएम का गीत गाने लगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ईवीएम के बारे में आपको कुछ कहना है तो आके हमें बताइए, क्या कमी है हमें बताइए। उन्होंने ईवीएम के लिए ईवीएम का डेमो दिया और कहा, जिन्होंने शिकायत की उसको कहा कि आके बताइए कैसे हैक हो सकता है, आप आके बताइए कैसे कर सकते हो, तो आके बताते नहीं और फिर कहते हैं हार जाने के बाद, और जब उसको हार का अंदेशा लग जाता है तो पहले कहने लगते हैं, कभी वो हार जाते हैं तो हारने के बाद कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, और फिर वो जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, ऐसा तो कैसे चलेगा। एक सवाल ये भी रहेगा मनसुख भाई, आपके मैनिफेस्टो में दो मुख्य बिंदु थे, एक थे मोदी की गारंटी और दूसरी थी विकसित भारत। आप क्योंकि बहुत करीबी से काम करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, नॉट जस्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम गुजरात डेज इज वेल, क्या आपको लगता है कि क्या विजन होगा प्रधानमंत्री का? क्योंकि प्रधानमंत्री 2024-29 की बात नहीं करते, वो 2047 तक की बात करें, विकसित भारत का जो सपना है ये क्या होगा भारत के लिए? मोदी जी एक दृष्टा व्यक्ति है, जो समय को पहले से वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं और उसके अनुसार आज एक्शन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय में मैं विधायक था, उस वक्त वो ट्विटर अकाउंट ओपन करने के लिए, फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए हमको बार बार कहते थे, और उस वक्त वो कहते थे कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज 25 साल के बाद हम देख रहे हैं, वैसे डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि ये चार जाति के सशक्तिकरण के आधार पर हम विकसित भारत बना सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा गरीब, युवा, किसान और महिला, चार लोगों के लिए आप देख रहे हो अभी जो योजना बन रही है उसको सशक्त करने की जो बात है वो देश को डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, सब कह रहे हैं 400 पार, गुजरात में लोग कह रहे हैं 26 पे 26,
आप क्योंकि लोकसभा में सबसे नए एंट्रेंट है, एटलीस्ट कम से कम बाकी सबके मुकाबले जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, आप मुझे बताइए कि आपने इस बार क्या 5 लाख पार जाने का तय कर लिया, क्योंकि आपकी पार्टी ने डिसाइड किया कि इस बार हर गुजरात की सीट पे 5 लाख पार होंगे। मैं आपको इतना अवश्य कहूँगा क्योंकि मैं धरती पे हूँ और कैंपेन कर रहा हूँ, गाँव गाँव में जा रहा हूँ, मैं 5 लाख प्लस से जीतूँगा। गुजरात में 26 में से 26 सीट आएगी, देश में बीजेपी 370 एवो आएगी और एनडीए 400 प्लस से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए मनसुख भाई, ये सारी बातों पर दोबारा डिस्कशन 4 जून को ही करेंगे। दैट वाज ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया स्पीकिंग व्हाइल वी वर ऑन द कैंपेन ट्रेल विद हिम विद विजय शबूब। दिस इज पायल मेहता फॉर CNN News 18।